एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफोसिस स्टॉक के बारे में। ओवरऑल जहां मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा, उसके बाद अगेन मार्केट इस समय आप देखेंगे 1:50-2 के आसपास का मार्केट अगेन शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख रहा है। पर्सनली व्यू इंफोसिस को लेकर के बुलिश है और मल्टीपल डील इंफोसिस में मोर देन 50 करोड़ के आसपास का डील आज इंफोसिस के अंदर आते हुए दिखा है, जिसको आप NSE के साइट पे देखेंगे। पिछले टाइम जब हमने इंफोसिस को देखा था, अगर इसको आप टेक्निकली देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप पाएंगे कि जुलाई के आसपास, जुलाई 2021 में ये स्टॉक 1550-1580 के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखा और ये स्टॉक ने 940-42 तक के हाई लगभग जनवरी 2022 में दिखाया था। तो लगभग हमने देखा कि 25-27% तक के रिटर्न इस कंसोलिडेशन के बाद मिला था। अगेन इस स्टॉक को देखेंगे तो 1560 के आसपास कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। जब तक ये स्टॉक 1545-1550 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, तब तक शॉर्ट टर्म में व्यू बुलिश है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो अगेन ये स्टॉक 1450-1430 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं। हालांकि कंटिन्यूअस इंफोसिस स्टॉक में देखेंगे तो हेवली बाइंग होते हुए दिख रही है। इसका मतलब है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जो भी बायर हैं, जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, वो इस स्टॉक को एकुमुलेट करते हुए दिख रहा है। जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो हट चुका है। अगर सेलिंग प्रेशर आएगा भी तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आएगा, ऑप्शन के थ्रू आएगा, जब ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ बियरिश सेंटिमेंट बनेंगे, जब कोरोना के फेयर की लहर आएगी या फिर ग्लोबल कुछ इम्पैक्ट आएगा, तभी इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड दिख सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 68-70% की बाइंग कंटिन्यूस इस स्टॉक में पिछले लगभग 1 महीने से आते हुए दिख रही है। तो श्योरली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।